इलाहाबाद में अखिलेश यादव का हेलीकॉप्टर उड़ चुका है यहाँ से रैली करने के बाद, लेकिन कुछ लोग हमारे साथ हैं जो लोग अखिलेश यादव को सुने हैं और निश्चित रूप से यह मानते हैं कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी और गठबंधन की लहर चल रही है, पूरे प्रदेश में लहर चल रही है। हम लोगों से बात करना चाहेंगे। मैडम, क्या नाम है? मंजू शर्मा जी। मंजू जी, यहाँ पर क्या हालात हैं आपके गठबंधन के? हमारे गठबंधन के हालात बहुत ही अच्छे हैं और शीघ्र ही हम लोग विजयश्री होंगे और माननीय अखिलेश जी के कार्य को तो सभी लोग, पूरी जनता जानती है, भली भांति। और बाकी चीज़ें क्या हम लोग बताएं, आप लोग भी पढ़े लिखे सभी लोग हैं यहाँ पे, सब शिक्षित भी हैं, सभी जान रहे हैं। शिक्षित तो 2014 में भी थे, तो वही कह रहे हैं ना कि सभी लोग हैं, सब सभी लोगों को ये मालूम है कि अब गठबंधन की राजनीति है और हमारी गठबंधन जोरों शोरों से है और हम सारी सीटों पे विजय प्राप्त करेंगे और इससे ज़्यादा आगे हम नहीं कहेंगे, बाकी तो हमारे। ठीक है मैडम, आपका क्या नाम है? हमारा नाम मीरा निषाद है, आप प्रदेश के सचिव है महिला सभा। बहुत बढ़िया, बहुत तब तो आप बहुत अच्छा बोलेंगी। अच्छा ये बताइए कि क्या हाल चाल है आपका? पूरे प्रदेश में गठबंधन हो गया और आप लोग एकदम हम मचा रहे हैं। पूरे प्रदेश में गठबंधन है और जो हम लोग की लहर चल रही है तो उस लहर से तो हम लोग जीत के आसार पे हैं कि हम लोग जीतेंगे सारी सीट। और जो हमारे अखिलेश जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अभी सभा थी उस सभा से लग गया है, ये बीजेपी वालों की नींद तो उड़ी गई है कि गठबंधन का क्या मतलब है और गठबंधन मतलब परिवर्तन। परिवर्तन इस बार होना है। अब मोदी जैसे प्रधानमंत्री जो फेकू प्रधानमंत्री थे, जो हमेशा जनता को गुमराह किए हैं, उनकी गुमराह अब नहीं चलेगी। अब जब भी सरकार बनेगी तो गठबंधन की सरकार बनेगी और गठबंधन का प्रधानमंत्री बनेगा, इसी के बाद मैं अपनी बात करूँ। अच्छा, अखिलेश जी ने आज क्या कुछ बोला है, मुख्य बातें दो तीन बताइए। अखिलेश जी ने ये बात बोली है कि जो हमारे प्रेजेंट टाइम प्रधानमंत्री जी थे, जो नौजवानों से उन्होंने कहा था कि नौकरी देंगे, 15-15 लाख रुपया उनके खाते में डालेंगे, लेकिन उन्होंने अपने किए के अनुसार, कहने के अनुसार उन्होंने कुछ भी नहीं किया, इसलिए जनता त्रस्त हो गई है। उनका एक सूत्री कार्यक्रम रहा केवल गांव शहर शौचालय बनाने का, केवल उन्होंने शौचालय बनाया है और शौचालय बनाते बनाते उनकी सरकार शौचालय में ही चली जाएगी। नेता जी, आपका क्या नाम है? पप्पूलाल निषाद। पप्पूलाल निषाद, पूर्व महानगर अध्यक्ष समाजवादी पार्टी इलाहाबाद। अच्छा, इलाहाबाद से हैं आप। ये बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आज आए थे तो वो आप लोगों को क्या संदेश दिए? राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत बढ़िया संदेश दिया है, नौजवानों के अंदर एक लहर आ गई है। पूरे प्रदेश में हम लोग 80 सीट में 75 सीट महागठबंधन चुनाव जीत रही है। भाजपा के जो नेता हैं, जो सरकार के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने जिस प्रकार से देश के सरहद पर हिंदुस्तान के सेनाओं की हत्या कराई है, इनके शासनकाल में जितनी सेनाओं की हत्या आज हो रही है, आज तक किसी शासनकाल में इतनी हत्याएँ नहीं हुई है। देश के प्रधानमंत्री केवल विदेश यात्रा करते हैं, दिन में 4 बार उनको कपड़ा बदलना है और झूठी झूठी वादा देश के जनता से करना है। प्रधानमंत्री ने क्या झूठे वादे किए? झूठे वादा किया, सबसे पहले 2014 में उन्होंने कहा था, देश के नौजवानों हमें मौका दो, हम तुम्हें 1 साल में 2 करोड़ नौकरियां देंगे। काला धन जो देश से विदेश में गया है, हम उसको ला करके हम जनधन योजना के तहत 15-15 लाख रुपये आपके खाते में डालेंगे। इस तरह से बेरोजगार लोगों को किसी प्रकार की कोई बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, कोई नौकरी नहीं मिली है। उत्तर प्रदेश में बाबा की सरकार है, जितने वैकेंसी निकलते हैं आज सारे वैकेंसियों में हाईकोर्ट का स्टे लग जाता है। आज हमारे अखिलेश यादव जी ने जो संदेश दिया है, उन्होंने इलाहाबाद की इस महागठबंधन के प्रत्याशी के प्रति जो यहाँ का लहर देखा है उससे वो खुश हुए हैं और नौजवानों को संदेश दिया है इलाहाबाद की धरती पर फूलपुर इलाहाबाद को प्रत्याशियों को विजयी बना करके, भारी मतों से विजयी बना करके मोदी सरकार को इस देश से भगाना है। यहाँ पर रीता बहुड़ा जोशी चुनाव लड़ रही हैं, कहा जा रहा है कि उनका बड़ा यहाँ पर जलवा है। रीता जोशी चूँकि आज 15 साल से मैके चली गई तो देखते रह गई वाली कहावत हो गई है, वो इलाहाबाद छोड़ चुकी है और चली गई है लखनऊ। उससे इलाहाबाद की जनता ये मान चुकी है को दोबारा रीता जोशी इलाहाबाद नहीं आएगी, इसलिए जनता उनको नकार चुकी है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अरुण निषाद। अरुण निषाद, आप लोग मतलब लग रहा है निषाद बिरादरी के हैं। प्रवीण निषाद को आप लोगों ने सांसद बनाया और जो है बड़ा अच्छा काम किया कि एक ऐसे व्यक्ति को बनाया जिसने बड़ी मेहनत की थी और उनके पिताजी को भी अपनी पार्टी में लेकर आए, लेकिन वो तो आप ही लोगों को छोड़कर चले गए।
से पूछे बताता हूँ। संजय निषाद जी जो निषाद पार्टी के नेता हैं, उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव से गठबंधन किया, वार्ता किया और वो गद्दारी करके हमारे पार्टी के नेता छोड़कर चले गए। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उन्हें दो टिकट देने का वादा किया था और 2022 के विधानसभा के आम चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा टिकट देने का वादा किया था, लेकिन वो संजय निषाद जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ब्लैकमेल करना चाहता था, वो सैकड़ों करोड़ रुपया मांग रहा था, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा ये भाजपा का पार्टी नहीं है, ये मोदी की पार्टी नहीं, योगी की पार्टी नहीं है, ये समाजवादी की पार्टी है, हम पैसा नहीं दे सकते हैं, हम तुम्हें सम्मान देंगे, तुम्हारे समाज निषाद में समाज को सम्मान देंगे, टिकट देंगे, भागीदारी देंगे, लेकिन तुम्हें हम पैसा नहीं देंगे। वह संजय निषाद पार्टी का संस्थापक, वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बिक करके इस निषाद बिन समाज को बेचने का काम किया है। आज प्रदेश का हमारा पूरा समाज निषाद बिन समाज इस बात से उसको नकार रहा है। तो आप लोग मानते हैं कि निषाद संजय निषाद ने बहुत गलत किया? संजय निषाद ने गलत किया है, आरक्षण की बात वो नहीं करते हैं, आरक्षण हमारे माननीय अखिलेश यादव ने किया है, 17 जातियों को उन्होंने आरक्षण देने का काम किया था, लेकिन केंद्र बैठी हुई सरकार, आज प्रदेश में बैठी हुई सरकार निषाद बिन कश्यप भर राज भर प्रजापति समाज को आरक्षण नहीं देने का काम नहीं कर रही है, इसलिए आज उत्तर प्रदेश का पिछड़ा वर्ग निषाद बिन समाज प्रजापति समाज राजभर समाज आज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने का मन बना लिया है और उत्तर प्रदेश में महागठबंधन मायावती और अखिलेश की महागठबंधन को ज़्यादा से ज़्यादा सीट हासिल करके केंद्र में ये गठबंधन के बिना किसी का सरकार नहीं बनने देगी। भाई साहब आप ये बताइए, तेज बहादुर एक सैनिक है, उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया गया, उसका पर्चा खारिज कर दिया गया, आपकी नज़र में क्या है? उनसे डर गए, इसलिए कि असली चौकीदार तेज बहादुर सिंह थे, ये नकली चौकीदार है, अपने आप को चौकीदार कहते हैं लेकिन नकली चौकीदार है, असली चौकीदार वो थे, वो चुनाव लड़ते तो देश के बारे में सही सही चीज़ें बताते, सेना के बारे में जो ये चीज़ दे रहे थे वो सही बातें बताते, इसलिए उनका पर्चा खारिज किया गया, डर के मारे। डर गए? जी हाँ। कौन डर गया? भाजपा वाले लोग। अच्छा, भाजपा वाले। हाँ हाँ, उन्होंने जो षड्यंत्र करके डीएम से कह करके उनका पर्चा खारिज करा दिया गया। पर्चा खारिज कराया गया है? जी हाँ जी। हाँ भाई साहब, क्या नाम है आपका? विनय यादव। तो विनय जी, यहाँ पर रीता बहुगुणा जोशी या समाजवादी पार्टी कौन आएगा? आज के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारी पार्टी समाजवादी पार्टी गठबंधन पार्टी 2.5 से 3 लाख वोटों से लीड देगी भाजपा को यहाँ से। अच्छा सर, एक चीज़ और बताएं आप, यहाँ पर जो कहा जाता है कि नौकरियाँ बहुत ज़्यादा 5 साल में मिलनी चाहिए थी और तमाम दुनिया भर के जो वादे थे युवाओं से किए गए थे, क्या वो पूरे नहीं हुए हैं क्या? नौकरियों के नाम पर इन्होंने कुछ जात विशेष के लोगों को नौकरियाँ दिया है। अच्छा, 85% लोगों को नौकरियाँ नहीं दी गई है और उनके हक अधिकार को नहीं दिया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार, बाबा जिसको बाबा कहते हैं, जिसको सत्ता चलाने का अनुभव नहीं है, केवल गोरखपुर की मठ चलाने का अनुभव था, उत्तर प्रदेश की कुर्सी उसको आज मिल गया, वो पगला गया है, वो सरकार कैसे चलाए, नौजवानों को रोजगार कैसे दे, किसानों को खाद कैसे मुहैया कराए, किसानों को पानी कैसे मुहैया कराए, किसानों को बिजली कैसे मुहैया कराए, वो उसको जानकारी नहीं है। आज प्रदेश का देश का पूरा किसान ये दोनों सरकार से बहुत आजी जा चुका है, इस आम चुनाव में ये भारतीय जनता पार्टी को बुरी तरह से हराने काम देश और प्रदेश की जनता करने जा रही है। अच्छा, ये निषाद पार्टी वाले कहते थे मैं सामाजिक न्याय की बड़ी लड़ाई लड़ रहा हूँ और बड़ा दो तीन साल तक मार धाड़ मचाए रहे, क्या सब ढकोसला था क्या जो भाजपा में चले गए? ये संजय निषाद का केवल ढकोसला है, उसको चाहिए पैसा। हमारे निषाद बिन समाज से वो गांव-गांव मीटिंग करके हमारे नेता मुलायम सिंह को गाली बकता था, बहन जी को गाली बकता था और गाली बक बक करके इस समाज जो हमारा समाज पढ़ा लिखा नहीं है, नदी किनारे बसने वाला ये समाज है, अनपढ़ है, जाहिल है, शिक्षित नहीं है, वो जो बरगला करके मदारी की तरह भाषण करता है उससे हमारा समाज थोड़ा बरगला गया था, लेकिन अब जिस दिन से भाजपा में गया है उतने समाज बहुत आक्रोशित हो गया है, इसका जवाब इस 2019 चुनाव में देगा। अच्छा ये बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत यादव। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर क्या लग रहा है कि आप कितने मतलब वोटों से जीते उतेंगे? हमारा प्रत्याशी गठबंधन मजबूत है और मजबूत जो हमारा प्रत्याशी गठबंधन राजेंद्र सिंह पटेल जी हैं, इस हमारे जो लोकसभा से कम 101,85,000 वोटों से और जीतने जा रहे हैं। अरे नेहा ये बताओ, आप लोग तो बड़ा मार पिटाई किए, जेल ओल चले गए और आप जो है आपके स्कूल की प्रोफेसर अब मैदान में हैं, तो क्या होगा उनका?
जीत का अंतर इतना होगा कि प्रोफेसर रीता बोमोना जोशी जी भी देख के चौंक जाएंगे, क्योंकि वो जो इलाहाबाद की बेटी कहकर के वोट मांग रही हैं, इलाहाबाद के विकास के नाम पर वोट मांग रही हैं, ना तो वो कभी इलाहाबाद आती हैं और ना ही उनके इलाहाबाद के विकास में उनका कोई योगदान है। वो किस आधार पर चुनाव लड़ रही हैं ये बड़ी बात है। पहले कांग्रेस में थी, अब भाजपा में चली गई, आगे कोई और सत्ता आएगी उसमें चली जाएंगी, तो इस तरह के नेताओं को जनता अस्वीकार कर देती है। और इस बार उन्हें ये जनता कम से कम 2 लाख वोटों के अंतर से हराने वाली है। तो अच्छा नया ये बताओ, आपके यूनिवर्सिटी के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, जो वहाँ की टीचर हैं, क्या उन पर ये कभी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, कभी यूनिवर्सिटी के दरवाजे पे पहुँची हैं या फ्री की सैलरी पा रही है यूनिवर्सिटी में? अब मंत्री पद मिलने के बाद उनकी अटेंडेंस चेक कर लिए विश्वविद्यालय में जा करके कि जब तक वो प्रोफेसर के पद पर रही वो कभी नहीं यूनिवर्सिटी आई और लेकिन सैलरी लेती थी। तो जो टीचर कभी विश्वविद्यालय में छात्रों को पढ़ाया नहीं है वो टीचर चुनाव लड़कर के छात्रों का वोट कैसे ले लेगा जब छात्र जानते ही नहीं कि मेरी शिक्षिका रही है? तो पहले रीता मैम से कहिए कि जो प्रोफेसर लगा रखा है उसका अर्थ समझे, जाने और छात्रों के बीच पहुँचे, और उनको जो जिम्मेदारी पहले दी गई थी उसे वो पूर्ण नहीं कर पाए तो इसको क्या करेंगे? अब मतलब आप अपने जो है प्रोफेसर के ऊपर ही सवाल खड़ा कर रही हैं? बिल्कुल सवाल खड़ा करेंगे। अगर हमारा टीचर क्लास पढ़ाने नहीं आएगा और लगाएगा प्रोफेसर तो ये कौन सा बात हुई? उनको चुनाव भी हराएंगे? बिल्कुल हराएंगे, चुनाव बिल्कुल हराएंगे और अच्छे खासे वोटों के अंतर। क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? हम लोगों का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है विकास का मुद्दा, इलाहाबाद के विकास का मुद्दा है। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भी विकास की राजनीति करी है। हम लोग ना तो धार्मिक हिंसा फैलाने की बात करते हैं, ना ही धार्मिक उन्माद फैलाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल और केवल इस बार का जो चुनाव लड़ रही है राष्ट्रवाद के नाम पर लड़ रही है, फर्जी राष्ट्रवाद के नाम पर। अगर ये इतने ही बड़े राष्ट्रवादी थे तो सैनिक को चुनाव लड़ने का अधिकार क्यों छीना? उसको चुनाव लड़ने देते और मोदी जी त्याग दे देते तो मानती कि वो राष्ट्रवादी है, वो राष्ट्रवादी बिल्कुल भी नहीं है, ढोंगी राष्ट्रवादी। आप क्या नाम है? दीपक यादव। क्या नाम है? दीपक यादव। अच्छा ये दीपक, ये बताइए, यहाँ पर अखिलेश यादव जी अभी आए थे, रैली को संबोधित किया उन्होंने, आपने सुना जी। क्या कहा उन्होंने? अखिलेश यादव जी क्या बोले? नहीं, अखिलेश यादव जी भी बेरोजगारी पे और क्या नाम है किसानों के लिए बोला और हक के लिए उनके और जो युवा रोजगार के लिए बोला अखिलेश यादव जी ने। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है यहाँ पे हमारे यहाँ, और यहाँ पे आप देख रहे थे पूरे पंडाल में चौकीदार चोर है, सबसे बड़ा नारा यही है, चौकीदार चोर है। और सबसे बेरोजगारी है यहाँ पे इलाहाबाद में, उत्तर प्रदेश में, उसका मुद्दा उठाया अखिलेश भैया ने। और रोजगार देने की बात कही हमारे यहाँ, हमारे यहाँ मुगारी ग्राम सभा में आके रोजगार देने की बात। लेकिन एक चीज आप लोग बताइए, राजेंद्र जी तो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा है क्या? कुछ ऐसा कुछ नहीं है, 4 बार ब्लॉक प्रमुख रह चुके इसके पहले, यहाँ से अंदावा से। चलिए आप बताइए जरा, इधर आइए भाई। अरे आप कुछ तो बताइए, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी आए थे, तो क्या कहवा करके गए हैं आप लोगों को? हाँ आप बताइए, आप बताइए। हमारा जो लोकसभा राजेंद्र सिंह पटेल, हमारे लोकप्रिय नेता जो आए हुए हैं, अभी वो शोर है, हमारे जो राजेंद्र सिंह प्रिय नेता लोकसभा इलाहाबाद से, जो रीता बहुगुण जोशी हमारे कैंट में अभी भी वो पद लेकर बैठी हुई, फिर भी हमारे इलाहाबाद धरती से लड़ने के लिए आए, जो हमारे नया नेता राजेंद्र सिंह पटेल के खिलाफ कहते हैं कि हमारा बहुमत से वोट 5 लाखों से विजयी हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि 5 लाखों से विजयी किस तरह हो रही है, जब हमारे यहां लोकसभा में 19 लाख वोटर हैं तो 5 लाख वोट उनको कैसे मिलेगा? हम मानते हैं 60% वोट पड़ेगा, 8.5 लाख या 9 लाख वोट पड़ने वाला है, उसमें से 3 कैंडिडेट हैं हमारे लोक दल, हमारे माननीय अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के, हमारे राष्ट्रीय भाजपा जो रीता बहुगुण जोशी लड़ रही हैं, तो आप समझ लीजिए कि इन तीनों में से डिवाइड कर दीजिए कम से कम 2 से 3 लाख वोट आ रहे हैं। और हमारे राजेंद्र सिंह पटेल जी को हमारे लोकसभा उत्तरी जो दक्षिण दिशा है यहाँ से वो कम से कम 1,85,000 से लीड कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, आप लोगों के शहर का नाम बदला गया तो कैसा लगा? बहुत बुरा लगा। हमारा इलाहाबाद शहर जो है आज का नहीं, बहुत दिनों से है, हम लोग पैदा भी नहीं हुए थे आज बाबा के ज़माने से इलाहाबाद शहर है, उसके बाद आज इसको प्रयागराज कर दिया गया। प्रयागराज उन्होंने जो किया ये तो मुझे मालूम नहीं है, फिलहाल मैं ये जानना चाहता हूँ। और इतनी सरकार आई और गई, अभी तक शहरों का नाम नहीं चेंज हो रहा था, स्टेशनों का नाम नहीं चेंज हो रहा था, अब क्यों चेंज होने लगा?
स्टेशन का नाम चेंज करने से, मस्जिद का नाम चेंज करने से, मंदिरों का नाम चेंज करने से सरकार नहीं बनने वाली है। सबसे बड़ा मुद्दा इनका सबसे बड़ा रोजगार और सब यही दे दिए, शहरों का नाम चेंज कर करके अपना नाम कर लिए कि मैं योगी हूँ, मैं मोदी हूँ, मैं इलाहाबाद का नाम प्रयागराज। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूँ कि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 सीट है, उसमें से कम हमारे गठबंधन 70 से 73 सीट जीत रही है। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने लोग हैं रोजगार, हमारे जो गठबंधन के लोग हैं उनका कहीं सपोर्ट नहीं किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, जो बड़े पैसे वाले हैं उनको सपोर्ट किया जा रहा है, हमारे ऐसे छोटे मोटे नेता को सिर्फ जेल में डाल दिया जा रहा है ताकि ये दोबारा उठ न पाए। और भाई आपका क्या नाम है? अंकित। अंकित, तो क्या अखिलेश यादव जी की रैली आपने देखी? देखी, खूब ज़्यादा लोग थे? थे, बहुत लोग थे, बहुत ज़्यादा लोग थे। तो क्या जो भीड़ थी ऑटो में बदल पाएगी? हाँ बदल जाएगी, 100% बदल जाएगी। लोगों का आना वोट ना देना ये कैसी बात हुई? इतनी कड़ी दोपहरिया में हम लोग आके खड़े यहाँ पे, अखिलेश यादव ये बहुत ज़्यादा लोग आए थे, तो क्या ये जो भीड़ थी ऑटो में बदलेगी? बिल्कुल पूरा 100% लाखों वोट से जीत रहे हैं। राजेंद्र जी लाखों वोट जीत रहे हैं, बिल्कुल कई दो से ढाई लाख। मैं आपसे पहले किया कहा बोला हूँ कि 2 से 2.5 लाख वोटों से हमारे यहाँ जीत जो होगी। बनारस से तेज बहादुर यादव को जो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने उन्होंने निरस्त रद्द कर दिया गया उनका नामांकन। मैं कहना चाहता हूँ कि एक गरीब रोजगार जो नौकरी से निकाल दिया गया और सिर्फ उनका एक ही मोर्चा था कि ये खाने में हमारे सैनिक को अच्छा दिया जाए, और उन्होंने खाने के अंतर्गत में उनकी नौकरियां और उसके बाद उनका एक लड़का अकलौता था उनको भी हत्या करा दिया गया। क्या नाम है भाई? और उनके अधिकार को छीन लिया गया। क्या नाम है? जय बाबू। अभी अखिलेश जी आए थे, आपने देखा? हाँ देखा। तो क्या देखा? अखिलेश जी कुछ बोले बोले हैं? तो आप देख सकते हैं अखिलेश जी का हेलीकॉप्टर जा चुका है और रैली खत्म हो गई है, लेकिन लोगों में उत्साह है और लोग चाहते हैं कि एक इनके बीच का नेता आया है राजेंद्र सिंह पटेल और वह जीते, और एक हवा है, लहर है गठबंधन की, और बहुत तेज लोगों की मांग है कि यहाँ पर एक ऐसा प्रत्याशी है पहली बार जो आम आदमी के बीच का है, मिलनसार है, और उसको बहुमत से जिताया जाए, बहुत वोटों से जिताया जाए, ज़्यादा वोट उसको दिए जाएँ। और काफ़ी लोग रीता बहुड़ा जोशी के मामले में नाराज़ इसलिए हैं कि वह यहाँ पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर रही हैं और वहाँ पढ़ाने नहीं गईं, और लोगों का यह आरोप है कि वहाँ से फर्जी में सैलरी लेती रही हैं। ये आरोप बहुत गंभीर है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्राओं ने लगाए हैं, यह अपने आप में गंभीर आरोप है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर शांतिपूर्ण तरीके से 12 तारीख को मतदान होगा। हाँ 12 तारीख को मतदान, 12 तारीख को मतदान होगा और अच्छी तरीके से लोग मतदान करेंगे, बढ़ चढ़ कर मतदान करेंगे, और फैसला अपने हिसाब से 23 तारीख को आएगा। फर्क इंडिया के लिए अखिलेश कृष्ण मोहन। खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए, घंटी दबाइए और सबसे पहले खबरें पाइए। लाइक और शेयर करना न भूलें।